जिला जनसंपर्क अधिकारी स्वदेश सिलावट द्वारा कोविड का दूसरा डोज लगवाने के बाद साझा किया अपना अनुभव। कहा कि कोरोना काल के दौरान भी कंधे से कंधा मिलाकर किया था कार्य और कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन सुरक्षित है, कोई भी इससे साइड इफेक्ट नहीं है। बड़वानी जिला जनसंपर्क अधिकारी स्वदेश सिलावट द्वारा 2 दिनों पूर्व कोविड सेंटर में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवाने के बाद मंगलवार को अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कोविड वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। टीका लगवाने के बाद मुझे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी जिसके मोबाइल पर मैसेज आए अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाने अवश्य जाए। वहीं जिला जनसंपर्क अधिकारी स्वदेश सिलावट ने कोरोना काल में निर्भीक व साहसिक कार्य करते हुए अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिले में हर क्षेत्र की खबरों को पहुंचाने का कार्य करना यह समय पर अविस्मरणीय पल बताया। सर, कोरोना के 2 डोज आपको लगे हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? और जो लोग अभी भी डर रहे हैं इस बारे में कोरोना का वैक्सीन लगवाने से, क्या अपील करेंगे? शासन के निर्देशानुसार जनसंपर्क कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए हम लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। परसों ही मुझे दूसरी कोरोना वैक्सीन लगी है। मुझे कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ जिससे कुछ घबराने वाली बात हो। एक ये भी दूसरे टीका के समान है और वैसे ही प्रभाव भी होता। हो सकता किसी किसी को बुखार आता है और किसी को कुछ थोड़े बहुत दूसरे लक्षण उभरते हैं, लेकिन वो तत्कालिक होते हैं। मेरे को ऐसा कोई लक्षण नहीं उभरा। और रही बात आम लोगों के संदेश की, तो मैं यही कहूँगा कि जब भी उनका नंबर आए, SMS मिले पंजीयन करवाने के पश्चात, वे निर्धारित सेंटर पर पहुँचकर अपना कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाए, जिससे बड़वानी को भी कोरोना मुक्त करने के प्रयास को सफलता मिल सके। सर, कोरोना काल के दौरान भी आपने बहुत मेहनत की थी, क्या कहेंगे दौर को लेके? वो एक दौर था, उसमें मैंने नहीं, सारे शासकीय विभागों के कर्मचारियों ने पदिन दायित्वों के साथ साथ अपना सामाजिक फर्ज समझकर भी काम करा था। वो उस समय काम का जुनून इस ऐसा था कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह होती थी कब रात हो जाती थी, लेकिन मेरे जीवन का वो एक अविस्मरणीय क्षण था, जिसमें मुझे खुशी है कि मैंने भी दूसरे विभागों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने फर्ज का निर्वहन किया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।